हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको ट्यूटोरियल गुरुजी के एक नया वीडियो पर। और मैं हूं मजीशियन नाजू, और आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं तीन तीन कार्ड का बहुत ही अमेजिंग मैजिक करके दिखाऊंगा और साथ साथ सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा मैजिक स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और नया नया मैजिक यानी कि जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर लेना। तो देख सकते हैं हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट कार्ड है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हर कार्ड अलग 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 है, आपको देखने को मिल सकता है अच्छे तरीके से। शायद आप थोड़ा सा अच्छे तरीके देखने की कोशिश करें, सारे कार्ड डिफरेंट डिफरेंट है, मैं देखूंगा भी नहीं। और इनमें से एक कार्ड हमें चॉइस करना है, ठीक है। तो हम किसी भी कार्ड को चॉइस कर लेते हैं, इस कार्ड को हम ले लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं, ओके। तो ये मुझे पता नहीं है कौन सा कार्ड है, लेकिन मैं कैमरे पे अच्छे तरीके से सबसे पहले दिखा दूं, इसके बाद मैं देख लूंगा। तो ये कार्ड आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ओके। कैमरे पे शायद आ गया होगा, अच्छे तरीके से आ गया है ना, ओके। सो मैं भी देख लेता हूं। अच्छा, ये जो है हार्ट का इक्का कार्ड है, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस कार्ड को किसी भी कार्ड के बीच में डाल देते हैं इस तरीके से, और डालने के बाद हम इसको बिल्कुल पूरा ऑफ कर देते हैं। तो वो कौन सा कार्ड था, इक्का, ओके, हार्ट का इक्का कार्ड था। अभी हम मैजिक करेंगे और उस कार्ड को धीरे धीरे उड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हवा में। तो चलिए देखते होता है या नहीं। तो ये 1 2 3 गिली गिली छुआ अपरा कटपरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस देख सकते हैं ये धीरे धीरे हवा में आ गया है, बट यहाँ पर कोई रस्सी वगैरह रोप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम इसको जो है पकड़ लेते हैं और बाकी कार्ड को यहाँ पर रख देते हैं, जस्ट 1 2 3। देख सकते हैं ये कार्ड नीचे नहीं गिर रहा है। फिर हम नीचे से इसको पकड़ने की, एक उंगली से पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं गिरता है नहीं। तो देख सकते हैं ये नहीं गिर रहा है। और फिर अगर मैं ऊपर साइड से इस तरीके से पकड़ के छोड़ दूँ तो ये कार्ड नहीं गिर रहा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से हमने आपका कार्ड को चॉइस करके निकाल के दिखाया और फिर इसको हवा में उड़ा के भी दिखाया। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट यानी कि दूसरा मैजिक, ओके गाइस। तो हमारा जो दूसरा मैजिक है ये मैजिक माइंड रीडिंग का है, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ईजी है, मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास जो भी कार्ड है सब कार्ड अलग अलग डिफरेंट कार्ड है, कोई भी कार्ड डबल नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा कार्ड है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारा एक दोस्त है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा यहां से कोई भी एक कार्ड तुम चॉइस कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, देख के तुम चॉइस कर ले हो। ओके, ले लिया, अच्छे, ओके। सो ये मैं देखूंगा नहीं, ये कैमरे पे अगर अच्छे तरीके से दिखा दो, ओके, मैं देखूंगा नहीं, अच्छे तरीके से तुम दिखा दो कैमरे पे, दिखाया, तुम भी अच्छे तरीके से देख लो, ओके, ओके, देख लिया, ओके, चलो ठीक है। अभी मैं इस कार्ड को थोड़ा अच्छे तरीके से इस तरीके से पकड़ लेता हूँ, और उस कार्ड को मुझे भी दे दो। तो गाइस देख सकते हैं ये कार्ड कौन सा कार्ड है, आपने अच्छे तरीके देख लिया होगा, हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। और इस कार्ड को अभी मैं यहाँ पर बीच में डाल देता हूँ, ओके, ये हमने बीच में डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं कार्ड यहाँ पर है, तो मैं थोड़ा अंदर से अच्छे तरीके से इसको डाल देता हूँ, और डालने के बाद स्लोली इसको मैं बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे सही कर लेता हूँ, ओके। सो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह का निशान हमने कुछ भी नहीं रखा, अगर देख सकते हो यहाँ पर कोई निशान है नहीं, कुछ भी निशान नहीं है, बिल्कुल सही कर दिया है। तो अभी तुम बता सकते हो कौन सा कार्ड तुम्हारा है, मैं कैसे बताऊं, नहीं बता सकते हो। तो कौन सा, गाइस देखिए हमने भी देखा नहीं कौन उस कार्ड को, यानी कि हमारा जो दोस्त ने जो कार्ड लिया था वो कार्ड कौन सी जगह पर रखा था, कौन से नंबर के बगल में रखा था या साइड में रखा था, ओके। तुम सिर्फ कार्ड को देखना, ठीक है, यहाँ से कार्ड को देखो, तुम्हारा जो कार्ड है उसको देखने की कोशिश करो, हम उसको बाहर करने की कोशिश करेंगे, ओके। सिर्फ उसको देखते रहो, कौन सा कार्ड तुम्हारा है, तुम सिर्फ देखने की कोशिश करो, हम उसको बाहर करने की कोशिश करेंगे, ओके, ओके, ओके। सो तुम्हारा जो कार्ड है वो ये वाला कार्ड है, यस आई एम राइट, ओके। तो कौन सा कार्ड था ये, ओके, ये क्लैप्स आर जैक ऑफ क्लैप्स। तो गाइस देख सकते हैं ये कार्ड तुम्हारा था ना, ओके। सो गाइस कैसा लगा आपको ये मैजिक, तो देख सकते हैं हमने कुछ भी कार्ड को देखा भी नहीं और कौन सी जगह पर रखा वो भी नहीं देखा, बट हमने कार्ड को बाहर कर दिया। ये था हमारा कार्ड का एक माइंड रीडिंग मैजिक ट्रिक्स। तो ये था हमारा दूसरा मैजिक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मैजिक का तीसरा मैजिक, और फिर हम इन तीनों मैजिक का राज भी जानेंगे। सो गाइस ये हमारा आखिरी यानी कि थर्ड मैजिक है, और थर्ड मैजिक का हमारे पास थर्ड कार्ड है, यानी कि 3 कार्ड है, 7 9 और 2। सो ये नॉर्मली 3 कार्ड है, और बिल्कुल नॉर्मल सा कार्ड है, देखिए यहाँ पर किसी का फटा हुआ कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं इजी कार्ड है, ओके। और इसमें किसी का फटा या कटिंग होने का कोई निशान नहीं है, बिल्कुल इजी और सिंपल सा 3 कार्ड। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों कार्ड को इस तरीके से उठाएंगे, और उठाने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर 2 कार्ड को हम नीचे रख देते हैं इस तरीके से, और हमारे जो 9 और 7 कार्ड है इन दोनों को ले लेते हैं, और इन दोनों कार्ड को कुछ इस तरीके से हम रखते हैं। और रखने के बाद अभी जो नंबर 2 कार्ड है इसको हम सीधा करके इस कार्ड के बीचों बीच इस तरीके से हम डाल देते हैं। अगर मैं आपको अभी सवाल करूं कि नंबर 2 वाला कार्ड कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि बीच में है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल बीचों बीच फंसा गया है, इसलिए आप बीच में कहेंगे, बिल्कुल आपने सही बताया है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा ये कार्ड कहाँ पर है। तो देखिए अभी अगर मैं आपको पूछूँ तो आप फिर से कहेंगे कि ये कार्ड बीचों बीच है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है, ओके, बीचों बीच है। तो चलिए अभी मैजिक टाइम, और मैं थोड़ा सा मैजिक करता हूँ, 1 2 3 गिली गिली छुआ प्रगट्रा। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया आपके हिसाब से, आप गौर से देखिए और मुझे बताइए ये नंबर 2 वाला कार्ड कहाँ है।
तो आप अगर थोड़ा गौर से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि नंबर टू वाला कार्ड अगर आप इस साइड में देख रहे हैं इस कॉर्नर को, तो देखिए ये इन दोनों कार्ड के बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे। और अगर इस साइड में देखेंगे तो देखिए नंबर टू वाला कार्ड बीच में फंस गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छे तरीके से कि ये आधा कार्ड बीचों बीच और आधा कार्ड बाहर में है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम थोड़ा सा मैजिक करते हैं और इसको फिर से वापस ले आके आते हैं। और देख सकते हैं ये फिर से ऊपर में आ गया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल सा थ्री कार्ड। अभी हम एक काम करते हैं, हम नंबर टू और नाइन को ले लेते हैं और सेवन के साथ इस बार मैजिक को करके देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इजी टू कार्ड हमारे पास और ये जो सेवन है हम बीच में डालते हैं। तो अभी भी ये बीच में है, आप देख सकते हैं बीचों बीच है। और अभी हम मैजिक करते हैं 1, 2 and 3 गिली गिली छुआ अपरा काटा अपरा। तो अभी आप देख सकते हैं नंबर सेवन फिर से बीचों बीच आ गया है, आधा कार्ड बाहर के मतलब नीचे की साइड से और आधा कार्ड बीचों बीच कार्ड के, दोनों कार्ड के बीचों बीच। ओके, आप अभी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आपको बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ, तो आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। और देखिए ये फिर से ऊपर में आ गया और ये थ्री कार्ड बिल्कुल नॉर्मल सा और सिंपल सा। ओके, सो गाइस ये था हमारा आज का थर्ड मैजिक। सो गाइस मैजिक को सिखाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मैजिक सीखना चाहते हैं, तो जाकर सबसे पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप सीखते हैं हमारा ये जादू किस तरीके से हो गया। सो इस फास्ट मैजिक को करने के लिए हमने जिस कार्ड डेक को यूज किया था उसका हर एक कार्ड का कलर पीछे का कलर जो है रेड था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रेड 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 हर एक कार्ड का कलर रेड था। और इस कार्ड डेक के अंदर जो इक्का कार्ड था उसको हमने पहले से ही एक पेन के साथ अच्छे तरीके से चिपक कर रख दिया था। ओके, आप देख सकते हैं ये इक्का कार्ड, इस डेक का जो कार्ड है इक्का कार्ड वो ये वाला कार्ड है। और इस कार्ड को हमने एक पेन के साथ अच्छे तरीके से सेलो टेप से चिपका दिया है। ओके, ये गिरेगा नहीं कभी। और इसको हमने छुपा कर रखा था बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से। ओके, और हमने दूसरा एक इक्का लिया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला इक्का सेम टू सेम। ओके, अलग फाइल से हमने लिया है और इसका कलर बिल्कुल ही अलग है, ये ब्लू कलर का कार्ड है। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो अलग कार्ड है सभी कार्ड का रेड कलर है। तो हमने क्या किया था, ये जो ब्लू कलर का इक्का कार्ड है इसको हमने बिल्कुल थोड़ा बीचों बीच डाल दिया था। ओके, इस तरीके से। और डालने के बाद जैसे कि हमारा दोस्त था या हमने खुद चॉइस किया था सेकेंड टाइम हमने अपने दोस्त से चॉइस किया था। तो देखिए फास्ट मैजिक करने के लिए हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा था सामने के हिसाब से कि देखिए गाइस सारे कार्ड अलग 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 है और हम यहाँ से एक कार्ड को चॉइस कर लेंगे, एक कार्ड को चॉइस कर लेंगे। इस तरीके से दिखाते दिखाते हमने देख रहा था ब्लू कार्ड कौन सा है। तो जब हमारे पास ब्लू कार्ड आ गया तो हमें पता चलेगा इस कार्ड को हम चॉइस कर लेते हैं। बट आपको सामने की तरफ से लग रहा था कि मैं बिना देखकर ये कार्ड ले रहा हूँ, ये वाला कार्ड, लेकिन मुझे पता है कि ये ब्लू कार्ड है, मुझे यही चॉइस करना है। फिर हमने इस तरीके से चॉइस करके आपको दिखाया कि देखिए ये ब्लू कार्ड है, सॉरी ये इक्का कार्ड है। और फिर इस कार्ड को जब हमने आपको दिखाने की कोशिश करा था तब मैं इस कार्ड को, ये जो इक्का कार्ड है, इस इक्के को मैं इस तरीके से पकड़ लिया था पीछे की साइड से कुछ इस तरीके से। और फिर इस कार्ड को हमने बिल्कुल बीचों बीच डाल दिया था। ओके, और डालने के बाद मैं क्या किया था, मैं आपको सामने की तरफ से दिखा रहा हूँ। अगर जब मैं चॉइस करने के बाद आपको दिखा रहा था कि देखिए ये वाला कार्ड हमने चॉइस किया इक्का, तब हमने क्या किया था, हमने ये वाला कार्ड को अपने इस हाथ से इस तरीके से उठा लिया था नीचे से। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, हमने दिखाया कि देखिए ये वाला कार्ड आपका है, तब हमने इस कार्ड को कुछ इस तरीके से सेटिंग करके ऊपर में उठा लिया और फिर इस साइड को अपने यहाँ पर अच्छे तरीके से सेटिंग करके लगा लिया। और फिर हमने दिखाया कि देखिए ये वाला कार्ड को मैं बीचों बीच डाल देता हूँ और डालने के बाद देखिए मैं मैजिक करूँगा और धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। बट जो वाला कार्ड हमने अंदर डाला वो तो नहीं उठ रहा था, बट ये वाला जो हमने सेटिंग करके रखा है ये वाला ऊपर आ रहा था। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हमने रखा था अपने टाइट करके और फिर मैं धीरे धीरे इसमें दबाव दे रहा था और धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और देखने में सामने से लग रहा था कि ये मैजिक हो रहा है कुछ ऐसे। ओके, और फिर मैं क्या किया, मैं इस तरीके से कार्ड को पकड़ लिया और फिर बाकी कार्ड को नीचे रख दिया और फिर मैं इस तरीके से आपको दिखाया कि देखिए ये कार्ड नीचे नहीं गिर रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से, यह भी बहुत ही ढीला हो चुका है क्योंकि बहुत बड़ा हमने किया है इसलिए। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा मैजिक किस तरीके से किया गया है। सो इस जो हमारा दूसरा मैजिक था, जो माइंड रीडिंग मैजिक हमने दिखाया था, उसमें क्या किया था, हमने जो कार्ड का यूज किया था उस कार्ड का पीछे का कलर था रेड। आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, इस कार्ड से हमने माइंड रीडिंग मैजिक को करके दिखाया था। तो हर कार्ड रेड था बट मेरे पास एक कार्ड ऐसा कार्ड था जिसका कलर था ब्लू कलर का। आप देख सकते हैं ये हमने एक सिंगल कार्ड यूज किया था जो कि ब्लू कलर का और इस कार्ड को हमने कार्ड के बिल्कुल बीचों बीच कहीं पर भी डाल दिया था। और फिर हमने बताया था हमारे दोस्त को कि यहाँ से किसी भी एक कार्ड को आप चॉइस कर लीजिए। तो सोच लीजिए वो कोई भी एक कार्ड चॉइस कर लेता है, नो प्रॉब्लम, जो भी कार्ड वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, जैसे सोच लीजिए ये वाला कार्ड वो चॉइस कर लेता है, तो देख लेते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ कि इस कार्ड को मुझे दिखाना नहीं है, आप अच्छे तरीके चेक कर लीजिए। तो वो अपने दोस्त वगैरह को दिखाते हैं तो हम भी देख लेते हैं ये कार्ड कौन सा है। ये नंबर टू कार्ड है
कलर भी देख सकते हैं कि कौन सा कार्ड है, अच्छे तरीके देख लीजिए। और जब इस कार्ड को वो देखता है तब हम क्या करते हैं ना, हम इस तरीके से कार्ड को एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं वो ब्लू वाला कार्ड कहाँ पर है। तो हम ब्लू वाले कार्ड के पास चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लू वाला कार्ड है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से कार्ड को पकड़ लेते हैं, मैं आपको जल्दी में दिखा रहा हूँ। तो ब्लू वाला कार्ड जो है यहाँ पर है, तो हम सोच हम बताते हैं फिर कि आपका कार्ड देख लिया अच्छे तरीके से, वो बोलता है हाँ हमने अच्छे तरीके देख लिया। फिर हम कार्ड को ले लेते हैं बिना देख कर, ये जो ब्लू वाला कार्ड है इस ब्लू वाले कार्ड के सबसे ऊपर में रख देते हैं, चाहे तो आप नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ओके। और नहीं तो इधर भी डाल सकते हैं। आपको याद रखना है कौन सा कार्ड आपने ब्लू के नीचे रखा है या ऊपर में रखा है, तो हमने ऊपर में रखा है ये वाला कार्ड। फिर हम इस तरीके से ऊपर में रख देते हैं और फिर इस तरीके से ऑफ कर देते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि देखिए कार्ड में किसी तरीके का हमने गिमिंग नहीं किया है, बिल्कुल हमने सही कर लिया है, मिक्स नहीं किसी तरीके का हमने सेटिंग नहीं किया है। अगर मैं आपको उल्टा साइड दिखाऊं तो क्या आप बता सकते हैं आपका कार्ड कौन सा है? वो तो कहते हैं नहीं मैं नहीं बता सकता। तब मैं बताता हूँ, ठीक है आप सामने की तरफ से आपके कार्ड को फॉलो करें, देखें, आप बताना नहीं, मैं आपका कार्ड को बिना देख कर बाहर कर दूंगा। फिर आपको एक एक करके इस तरीके से कार्ड को देखना पड़ता है, और जो ब्लू कलर का कार्ड है उसके सामने का जो कार्ड होगा वो उन्हीं का कार्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सामने तरफ से देखता है, तब मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि ये ब्लू कार्ड है, तो फिर हमने ये वाला कार्ड को रखा था। तो तब मैं बता देता हूँ कि देखिए गाइस ये वाला कार्ड आपका है नंबर 2 कार्ड। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा मैजिक है, आप एक बार घर में ट्राई करें तो आप भी अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मली एक अलग कार्ड की जरूरत पड़ता है। सो गाइस हमारा जो नंबर 3 वाला मैजिक था, उस मैजिक को करने के लिए आपको चाहिए 3 कार्ड, और उसके साथ आपको और एक कार्ड चाहिए जो कार्ड यूज नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा कट कर लेना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये हमारा एक 4 नंबर कार्ड जिसको हमने छोटा सा कटिंग करके ले लिया है, देख लीजिए इसको हमने किस तरीके से कटिंग किया है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेना पड़ेगा, और करने के बाद किसी भी एक कार्ड का किसी भी एक साइड में, इस साइड में या इस साइड में, आपको ग्लू से अच्छे तरीके से इस तरीके से चिपकाना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई कार्ड छोटा सा टुकड़ा करके हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे कि आपको देखने को मिल रहा था कि ये 9 कार्ड बिल्कुल नॉर्मल सा और सिंपल सा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा टुकड़ा कार्ड हमने ज्वाइन पहले से ही कर दिया था, ओके ऐसे। तो आपको ज्वाइन कितना करना है, ज्वाइन आपको थोड़ा सा करना है, किसी भी कार्ड को ले सकते हैं, और किसी भी कार्ड को ज्वाइन मतलब अगर किसी कार्ड के ऊपर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप एक कॉर्नर पे छोटा सा इस कॉर्नर पे आपको ग्लू लगाना है, ज़्यादा पूरा नहीं लगा देना, थोड़ा सा कॉर्नर पे आपको ग्लू लगाना है, और लगाने के बाद इस तरीके से चिपकाना है, मतलब ये पूरा का पूरा ओपन होना चाहिए इस तरीके से, ओके ऐसा ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ग्लू लगाना है। और जब लगाने के बाद आप 2-5 मिनट रख देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और बनाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 3 कार्ड लेना पड़ेगा, उसके साथ साथ और नॉर्मली 2 कार्ड लेना पड़ेगा, और फिर इसे दिखाना पड़ेगा कि देखिए गाइस मेरे पास 3 कार्ड है, 1, 2 एंड 3, ओके। सो ये जो फिंगर है, ये फिंगर इस कार्ड के यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो दिख जाएगा, ओके। सो ये 3 कार्ड इस तरीके से दिखाने के बाद आप सामने के साइड से भी दिखा सकते हैं कि गाइस देख लीजिए हमारे पास नॉर्मली 3 कार्ड है। फिर आपको ये जो गिमिक कार्ड है इस कार्ड को इस तरीके से लेना है, और ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पर आपको इस तरीके से आपका ये फिंगर रखना पड़ेगा, और फिर किसी भी एक कार्ड को लेने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कटिंग है हमने किया है यहाँ पर, इस जगह पर आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, ओके। ये हो गया हमारा गिमिक। फिर आप इस कार्ड को लेके बीचों बीच इस तरीके से रख दीजिए, फिर सवाल करिए कि ये जो कार्ड है ये कार्ड कहाँ पर है, तो नंबर 7 कार्ड बीचों बीच है, आप देख सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, इस कार्ड को हटा के मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से घुमाते 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 आपको नीचे लेके आना है, और इस कार्ड के बीचों बीच इस तरीके से डाल देना है, और जब डाल देंगे तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा कि ये कार्ड आधा बाहर आधा बीच में फंसा हुआ है, ओके आप देख सकते हैं। फिर आपको बात करते करते ऐसे आपको घुमाना है धीरे धीरे, और फिर कार्ड को ऊपर में लेके आना है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा मैजिक है, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं और लोगों के साथ दिखा सकते हैं, ओके गाइस। तो ये था हमारा आज का 3rd मैजिक का ट्रिक्स, ओके। सो गाइस ये था हमारा आज का ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और साथ साथ नया नया मैजिक ट्रिक यानी कि जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर लेना, और बहुत सारा मैजिक ट्रिक देखने के लिए आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और ऐसे भी आपको दोनों कॉर्नर पे वीडियो देखने को मिल रहा है, इस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब का मैजिक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।